अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अपने सेटअप पर केजीज बनाएंगे, तो माशाल्लाह से आज भाई और पापा एक साथ केजीज का काम उन्होंने शुरू कर लिया है। थोड़ी सी ये देखें माशाल्लाह से पीछे भी हमारे चिंटू मिंटू ऊपर घूम रहे हैं। और आपको एक गुड न्यूज़ भी देता हूँ, ये तो एक हो गई गुड न्यूज़, उससे बड़ी गुड न्यूज़ है कि हमारे सेटअप पे वन कुक आ चुका है। मुर्गा आ चुका है माशाल्लाह से। आपने ये नस्ल देख के बतानी है कौन सी नस्ल है, कमेंट में लास्ट में बताना है। और ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें इसको अभी यहाँ पे काट देते हैं, वरना ये बाहर आ गया ना तो इसने बाहर मचा दे सारा काम खराब कर देते हैं। जो हमने केज इसके लिए खाली करना है ना, वो देखिए यार तो देखो आप कितनी साफ की थी लेकिन थोड़ी गंदी हो गई। अब वही बात आ गई, सेटअप हमने अपना इतना साफ किया था सारा तमाम, दो हफ्ते इस तरह गंदा रहेगा। चलो यार कोई बात नहीं, दो हफ्ते देखें। यार भैया आपको पता हमारे सेटअप पे वन टर्टल आया हुआ, कछुए का बच्चा आया हुआ जिसका नाम है जो जो। आपको इलम है चीज का? नहीं, गजब बेइज्जती है। चलो मैं आपको जो जो दिखाता हूँ, जो जो इस टाइम मार वो पीछे आपको मैं दिखाता हूँ जो जो हमारा काम पे है। जो 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 यार जो जो तुम्हारा नज़र तो नहीं आ रहा, जो जो गुम तो नहीं हो गया? ढूंढना पड़ेगा यार, जो जो गुम हो गया मेरे ख्याल से। इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। फाइनली दोस्तों जो जो हमें मिल चुका है, ये देखें जो जो कहाँ पे है, आपको मेरे ख्याल से शायद नज़र नहीं आ रहा, वो देखें। जो जो मिल चुके हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो माशाल्लाह से वो पेयर देखें। कौन सा मुझे भी दिखाओ। ओ सच भाई को तो दिखाने भूल गए। जो जो कम यहाँ पे पकड़ लेते हैं यहाँ से, ए इतना छोटा, ये रखो भाई इधर रखो जरा, यहाँ पे रख के देखो। अभी सारा सेटअप पे गंद वगैरह देख के ना घबरा आ गया, तो इस टाइम थोड़ी थोड़ी सी गर्दन बाइंडिंग आ रहा है, तो कोई बात नहीं अभी सेटअप साफ करते हैं ना। जो जो ने हमारी घर से बाहर निकाल लिया। तो यार आप भैया आपने बताना इसका सेटअप कहाँ पे बनाया, अपने सेटअप इसके घर कहाँ पे बनाए? इसका ना इधर पैरेट के पिंजरे के पास ही गई में बना लो, ताकि ये पानी में भी घूमता रहेगा। फाउंटेन इसका बनाते हैं वहाँ पे, और सामने मछलियाँ भी लेके आते हैं, सोच रहे हैं ये छत जरा। बात तो सही है आपकी, छत साफ होती है ना फिर मछलियाँ भी छत पे ला के रखेंगे फाउंटेन। चलो इंशाल्लाह उनका भी फाउंटेन बनाएंगे। आप देखे भाई जो जो हमारा भाई आ चुका है, इसका नाम है जो जो। अच्छा ये अब्दुल्ला भाई ने हमें गिफ्ट दी है, तो कहते ही आपके लिए गिफ्ट है माशाल्लाह से, देखें। मैं इसकी जो जगह थी ना वो मैंने सोचा था यहाँ पे करके, और आज छोटी बहन भी हमारे साथ आ चुकी है पर हमारे साथ काम करवाने के लिए, तो मैंने इसके लिए। वो देखो जो जो नीचे चला गया, जो 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 को हम अपने वापिस छोड़ देते हैं अपनी पराली में, इससे पहले ये गायब हो तो। फिर जो जो को हमने छोड़ दिया, जो जो दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चला। नहीं ये घर का बच्चा, वो कह रहे थे हमारे पास दो प्यारे थे, उन्होंने आगे से अंडे बच्चे दिए थे, तो उसका एक बेबी है वो है। ये मैक्सिमम कह रहे थे एक महीना दो दिन का है, अब हमारे पास आए तो ये अब आपने अंदाज़ा लगा के बताना कितना बड़ा होगा। हमारे इस टाइम पिजन भी अंदर बंद है, पिजन हम करते हैं यहाँ पे बंद, पर काम चल रहा है सेटअप पे, तो इस वजह से हम रखते हैं पिजन। ये एक पेड़ यहाँ पे बंद है और एक पेड़ ये है, और बाकी जो हमारे दूसरे हैं पट्ठे वगैरह समझो वो नीचे बंद किए हैं। दोस्तों ये भी हमारा केज है, तो ये देखें इसमें अभी हमने अपना समझो गैलरी छोटी मोटी बनाई थी, इसमें अभी हमने पिजन सी रखे थे, तो इंशाल्लाह दोबारा इसमें हम कुछ ना कुछ ला के परिंदे या जानवर छोड़ेंगे। आपने कमेंट में लास्ट में बताना है इसमें हम मुर्गियां छोड़ें या पिजन छोड़ें। भाई ने मुझे कहा अंदर सब लकड़ियाँ दो, जो सबसे मेरा लगाना हाथ मेरे आप देख सकते हो, ये भी देखें कितना गंदा आया हुआ है, तो कोई काम करते हैं शुरू।
यहाँ से पहले ये वाली निकाल लेते हैं। ये ब्रो पापा भी साथ कर रहे हैं, छोटी बहन भी और भाई भी कर रहा है, और मैं सिर्फ और सिर्फ ये पकड़ा रहा हूँ। मेरी हालत आप देख ही सकते हैं हाथों की, ये देखो मिंटू मारा चिंटू आ चुका है यहाँ पे काम चेक करने के लिए का क्या हमारा सेटअप सही तरह हो रहा है तैयार। सो दोस्तों मैं आप बहुत ज़्यादा थक चुका, ये सारी जितनी भी लश्करियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये सारी मैंने की हैं, ठीक है। ये देखिए अब ये काम का आ रहा है, नए नए कपड़े पहन के, इसको भी पता चले जरा मेहनत क्या होती है, ठीक है ना। सही क्या रहा हूँ, अच्छी बात थोड़ी है यार, एक एकदम अत्याचार हो गया है। ये कहता है हमेशा हमेशा इस तरह ही होता, पहले भी मैंने इसे छत साफ करवाई थी जब ये लेट उठा था, और आप मैंने इसको कहा तुम ये करो सारा कुछ। यार देखो ना गाइस, नए कपड़े पहन के आया हूं, पैंट की आप मेरी हालत देख ही सकते हैं, हाथों की देख ले, चेहरा तो मेरा वैसे टाइट फोड़ है। ये देखो यार ये छड़ी की आप मेरे पास लकड़ी सारी हो भैया हमारी यार, इसको अपना और कौन सी मर्जी पकड़ लो निकालने सारे बाप नहीं है। पापा की तरफ से ये आप ही देख लीजिए, इतनी मेहनत वाला काम कर रहे हैं। ये देखे महाराज जी मुर्गा जो है ये आराम से बैठ गया। ये ले गाइस ये नीचे काम हो रहा छत पे, जिसकी वजह से मैंने ऊपर छत पे लाके मुर्गा छोड़ा ताकि आप लोग देख सके। ये देखे किस तरह चाल फिर रहा, माशाल्लाह वाह जी वाह सुभान अल्लाह। इसके खड़े होने का तरीका लगा नजर ना लगा इसको, इसके साथ सोच रहा हूँ मुर्गी ला के छोड़े, बाकी तो फिर बात की बात है, जब पेड़ बनेगा इनका पेड़ के बाद अंडे वगैरह देंगे वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल इसके साथ सोचा अभी ये मुर्गी ला के छोड़ेंगे। देखें जिसे कहते हैं ना फुल लड़ाई वाला मुर्गा, ये वो है, इसके ये किल वगैरह नीचे से बांधे हुए हैं ताकि किसी को पड़े ना। अच्छा तो फाइनली दोस्तों नीचे हमारे सेटअप पे तो लकड़ी वगैरह का काम ख़त्म हो गया, तो इन्हें बारी आ गई है कि हम इसे उठा के अपने सेटअप से साइड पे करके यहाँ पे लगा दें, या नहीं तो किसी और जगह पे हम इनको एडजस्टमेंट इनकी कर दें, क्योंकि अब अंदर केजेस हम प्रॉपर तैयार कर रहे हैं ताकि हम अंदर कुछ ना कुछ ब्रीडिंग के लिए छोड़ पाएँ, कोई परिंदा छोड़ दें या कोई मुर्गा शुर्गा वो छोड़ दें। तो भाई आप फिर जल्दी करें, फिर पहले देखें इन्हें देखें ना कहाँ पे हम एडजस्टमेंट करें इनकी, यहाँ पे बैक पे कर दें या थोड़ा साइड पे कर दें। इधर बैक पे करते हैं ना, बाकी जो लकड़ियाँ रह गई वो हम कल कर लेंगे, क्योंकि अब शाम भी हो रही है। चलो बाकी थोड़ी सी रह गई इंशाल्लाह कल कर लेंगे, अभी इनके साइड पे एडजस्टमेंट कर दें इनकी। तो यार भाई तो यहाँ पे कर रहे हैं, मैं उतनी देर थोड़ा थोड़ा अपने पिजन्स को दाने ही डाल दूँ, क्योंकि डाइट इन्हें थोड़ी दी हुई है। ये देखो माशाल्लाह से इनकी भी डाइट पड़ी हुई है, इनकी भी अपन नीचे वाले पिजन्स की बिल्कुल डाइट नहीं है, तो इन्हें थोड़ी थोड़ी डाइट डाल देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से यार आपने ब्लैक पिजन के स्प्रे दुआ करनी है, क्योंकि इसका थोड़ी थोड़ी है सही नहीं है, इसको मेडिसिन वगैरह दिया है, और अभी भी ये देखे ना थोड़ा थोड़ा ढीला पड़ा होगा, तो हम अभी इनके और डाइट डाल लेते हैं। और भाई पीछे काड़े हैं लकड़ी एडजस्टमेंट, तो मैं कहा मैं अपने थोड़ी उतनी देर पिजन्स को डाइट वगैरह डाल दूँ, नहीं यहाँ पर रख के डाइट वगैरह डाल दें, क्योंकि अभी केज तो वो है, केज तो वो गंदा है, तो ये केज मैं कहा साफ करते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं, नया केज है तो थोड़ा थोड़ा डाले हैं। और माशाल्लाह सर सबसे पहले खाना शुरू कर दो, चलो अच्छी बात है, इनके केज में है पर थोड़ी सी और डाइट वगैरह डाल देते हैं ताकि ये भी खा लें, क्योंकि एक परिंदे की नेचर होती है कि ज़मीन से इतनी जल्दी नहीं खाता, और इनके नेचर कुछ ये ही है, नई जगह पे इन्हें इनके केज में डालता ही नहीं उन्होंने डाइट, इनकी डाइट मैं भाई डालता हूँ, इनकी डाइट है, और बस भाई बैठ गया कह रहा है यार नहीं हो रहा। लो भाई भाई तो थक गया, चलो मैं भाई के साथ कराता हूँ। तो फाइनली दोस्तों सेटअप की सफाई हो चुकी है, और हमने अपने जो लकड़ियाँ निकाली थी उन्हें हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दिया, और हमारा कुकर आ चुका है, ध्यान से फाड़ी ना जाए यार, इसका कोई भरोसा भी नहीं है, जानवर है। तो अभी हम अपने पिजन्स को आइंदा से हम यहाँ पे बंद करेंगे, और अपने सील मुर्गे को करेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे बंद, इसके लिए हमने ये जगह साफ़ की है, और
माशाल्लाह से सेटअप देखे हमने प्रॉपर साफ कर ली और माशाल्लाह से अब पहले से कई गुना बेहतर लग रहा है। मुझे आपके कमेंट में लाजमी बताना है। और ये देखें हमारे इन्होंने नस्ट करना शुरू कर दिया पिजन्स ने। चलो यार नस्ट तो हमारे सेटअप पे सारे ही करते हैं, फिलहाल ब्रीड कोई नहीं करता। तो ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन टिक लास्ट में कर देना है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।